आज हम देखने आए हैं आगरा की एक बहुत ही फेमस जगह सिकंदरा, जो स्टेशन से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको ये आगरा मथुरा हाईवे पर ही दूर से दिख जाता है। तो सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद हम अंदर आ गए हैं। चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी खुली खुली जगह दी हुई है यहाँ पर, और सर्दी के बाद धूप भी बहुत ही अच्छी खिल रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं और अंदर चलते हैं। सामने कुछ दिखाई दे रहा है बोर्ड, दोनों तरफ रास्ते दिए हैं, जाना किधर है देखते हैं। तो इस तरफ अकबर का मकबरा है और उस तरफ कांच घर है। अकबर का मकबरा इस तरफ है और तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी जगह है, जल्दी जल्दी घूमना पड़ेगा हमें। तो एक फ्रंट में बहुत ही बड़ा मैदान दिया हुआ है, जो सिकंदरा का जो बड़ा गेट है उसके सामने बहुत ही बड़ा मैदान है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। वाव, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। तो ये देखने में एक बड़ा दरवाज़ा, इस पर 2 मीनारें हैं, बहुत ही कारीगरी भी बहुत अच्छी है। और सेम वैसे एक छोटा दरवाज़ा है, छोटा दरवाज़ा का कारण तो समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ से खुला हुआ है ये। चलो देखते हैं क्या है ये। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, किस बारे में दिए हैं ये तो उसके अकबर के मकबरे के बारे में बताया गया है। सिकंदरा 1605-1612 ईस्वी, ये पूरी उसकी हिस्ट्री है, आप इसे बाद में पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। चलो चलते हैं अंदर की तरफ, और ये हमें छोटा गेट भी क्रॉस करना पड़ेगा। चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं आगे और क्या क्या है। जगह का बहुत इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, चारों तरफ खुला खुला, और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी भी बहुत अच्छी है, चारों तरफ पेड़ पौधे भी खूब लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। चलो अंदर एंट्री देते हैं। सिक्योरिटी एक सामने और खड़ी हुई है, देखते हैं ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। तो इन्होंने हमारा जो कैमरा था वो बंद करवा दिया था, सिक्योरिटी रीजन बताते हैं। तो हम अंदर आ गए हैं, और ये अंदर से ही दरवाजे के अंदर का जो एरिया है बहुत ही बड़ा और एरिया है, ये पूरा बलुआ पत्थर का बना हुआ है। मुगल एम्पायर के अधिकतर जो चीज़ें हैं, ताजमहल को छोड़ दें तो सभी बलुआ पत्थरों की ही बनी हुई हैं। तो चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं बाहर के नज़ारे। वाओ, सही में ऐसा लग रहा है जैसे मुगल काल में हम आ गए हैं। एक बड़ा सा महल सामने दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ गार्डन, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। एक बड़ा चबूतरा, मुगल एम्पायर की खास बात यही है कि सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा, एक बड़ा दरवाज़ा, उसके अंदर एक बड़ी इमारत। आज संडे, तो संडे के दिन घूमने फिरने वाले भी काफ़ी लोग आते हैं फैमिली के साथ अपनी। और ये दरवाजे के अंदर का जो दृश्य है वो ये है, जैसा बाहर था वैसे ही अंदर से है, काफ़ी सुंदर कारीगरी की गई है इसके ऊपर, देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जब आप रियल में देखेंगे तो आपको वाकई में बहुत सुंदर दिखेगा ये। ये देखिए 2 सुंदर मीनारे, तो देखते हैं ये बिल्कुल सामने से। यहाँ पर इन्होंने ज्योमिति का बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है, हर चीज़ आपको सीधी मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी कुछ ना मिलेगी, सीधी मिलेगी। ये देखिए एकदम ये पेड़ लगे हुए हैं। चलिए चलते हैं, काफ़ी दूर जाना है तो जल्दी जल्दी चलते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं। और ये फ्रंट का एरिया है, ओ माय गॉड, चलो चलते हैं।
तो हम आ गए हैं, शायद ये अकबर का मकबरा ही होगा। ये बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लोग अंदर से घूमकर वापस आ रहे हैं, तो हम अब अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर क्या है इसके। चलो, तो हमने उतारे जूते और जूते उतार के अब अंदर एंट्री ली है। तो यहाँ पर लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोग घूमकर अंदर से आ रहे हैं। वाओ, काफी सुंदर का मनोहर दृश्य है यहाँ पर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो तो इतना संरक्षित करके रखा गया है तो अभी तक ये जीवित है, नहीं तो कब से खत्म हो चुका होता है। काफी ख्याल रखा जा रहा है सरकार के द्वारा इसका। काफी आज लोग, संडे का दिन है तो काफी लोग यहाँ घूमने फिरते आए हैं। और यहाँ से अब अंदर एंट्री लेते हैं हम, जहाँ पर अकबर का मकबरा है। देखिए सामने शायद दिख भी रहा है, चलते चलो। चलते चलते नीचे के फर्श भी इतना चिकना हो गया है कि पैर जमाने पर भी फिसल रहा है। ये गाइड साहब हैं जो बता रहे हैं यहाँ के बारे में कुछ। तो लगता है ऐसा कि अंदर शायद कैमरा अलाउड नहीं है, पर फिर भी कोशिश करेंगे आपको वो मकबरा दिखाने की। देखते हैं, चलते हैं अंदर, पहले यहाँ से वीडियो ले लेते हैं, क्या पता अंदर ना मिले देखने के लिए। तो ये देखिए, यह है अकबर का मकबरा। चलो अंदर चलते हैं, ये हम अंदर आ गए हैं और हमने चुपचाप से एक वीडियो, छोटा सा क्लिप निकाल लिया है इसका। और अब बाहर की तरफ चलते हैं। उन्होंने मना किया था कि यहाँ वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, तो हमने चोरी छुपे एक वीडियो ले ही लिया। और बाहर की तरफ चलते हैं हम। बहुत ही दिल खुश हो गया यहाँ आकर, दिल खुश कर देने वाली जगह है। तो हम आ गए हैं बाहर और ये फ्रंट का एरिया है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। कंस्ट्रक्शन से ही बचा हुआ है ये बिल्डिंग। ये बिल्डिंग क्या, अधिकतर सभी बिल्डिंग जो पुरानी मुगल एम्पायर की हैं, वो उनका कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, मेंटेनेंस होता ही रहता है, क्योंकि उसके बिना तो बचना मुश्किल था अब तक। ये बाहर का दृश्य, बहुत ही बड़ा दरवाज़ा, बड़े बड़े दरवाजे। और यहाँ से सामने वो दरवाजे जहाँ से हमने एंट्री ली थी, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, बहुत ही खुला खुला, खुली खुली जगह है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और हवा भी बहुत ही अच्छी चल रही है यहाँ पर। यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ एक और कब्र है। वाह, तो हम जल्दी जल्दी घूमते हैं क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा अगर हम धीरे धीरे घूमेंगे तो। ये देखिए अंदर से बहुत ही सुंदर कलाकृति है ये। और यहाँ पर क्या है कि सब जगह आपको सेम चार दरवाजे सेम मिलेंगे, जैसा फ्रंट में जहाँ से हमने एंट्री ली थी, ऐसे ही तीन दरवाजे हो रहे हैं इसके जो बंद हैं, पर सेम चारों तरफ से एक से ही दिखता है ये। आप चाहे फ्रंट से देखें, बैक से देखें, दाएं से देखें, बाएं से देखें, सेम दिखता है बिल्कुल। ये देखिए जैसा हमने वहाँ से एंट्री ली थी, वैसे ही यहाँ पर भी साइड में भी वैसे की वैसी छोटा दरवाज़ा और एक बड़ा दरवाज़ा पीछे, और फाउंटेन भी लगा हुआ है। ऐसे चारों तरफ आपको मिलेगा सेम डिज़ाइन। देखिए अब हम चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। बहुत ही सुंदर, वो तो अचानक दिख गया रास्ते में जाते जाते, तो लगा कि इधर घूम लेना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। चलो अब आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये एक दरवाज़ा और सेम वैसे के वैसे ही, एक बड़ा दरवाज़ा, एक छोटा दरवाज़ा, उसके आगे एक फाउंटेन, तो बहुत ही अच्छा। चलो चलते हैं, चलते चलते चलो थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा आराम।
आराम करते करते एक छोटा सा वीडियो शूट और कर लेते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर आकर। तो दोस्तों एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पर सिकंदरा, जो आगरा स्टेशन से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर बाय रोड आते हैं तो आपको ये पड़ेगा बिल्कुल मथुरा आगरा हाईवे पर ही आपको मिल जाएगा, ये आसानी से दिख जाता है दूर से। तो चलते हैं वापस बाहर की ओर, क्योंकि हमने ये चारों तरफ से घूम लिया। ठीक है, सादा सिंपल जगह है, ठीक है, पर अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर। भारत की हिस्टोरिकल जगह हैं, यहाँ घूमने का अपना एक अलग आनंद है। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जगह, हमें आप बताइएगा। तो अब हम यहाँ आ गए हैं। ये कांच महल जो हमने आते समय देखा था, ये वही कांच महल है। तो देखते हैं, एंट्री लेते हैं यहाँ पर कांच महल में, कि यहाँ पे सच में कांच महल है कि खाली बिल्डिंग बची है। तो जैसा हमने सोचा था, खाली बिल्डिंग ही बची है, कांच महल जैसा कुछ है नहीं। क्या था वो तो पता नहीं, पर कांच महल लिखा हुआ है ये बाहर से एरिया। चलते हैं आगे की तरफ, कुछ आगे भी कुछ बिल्डिंग है। क्या बिल्डिंग है ये? लोधी का मकबरा। तो लोधी के मकबरे की तरफ चलते हैं, देखते हैं लोधी का मकबरा कैसा है। तो पूरा खंडर हो गया है, पर मकबरा तो नहीं दिख रहा, खाली बिल्डिंग दिख रही है। चारों तरफ देखने के बाद भी कहीं नहीं मिला। दोस्तों एक बार जरूर आइएगा और घूमिएगा सिकंदरा। आगरा में और भी फेमस जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, उनमें से सिकंदरा एक जगह है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, हम आ गए हैं पार्किंग में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सिकंदरा, हमें बताइएगा। तो दोस्तों हम हैं स्मॉल वर्ल्ड, मेरा नाम है चेतन, और आज आपको मेरे साथ घूमकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। गुड बाय दोस्तों, बाय।